मेरा नाम कुशल कुमार, यह मारुति सुजुकी अर्टिगा का ZXI वेरिएंट सेकंड टॉप मॉडल रहने वाला है। मैंने आपको इस कार का BXI वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, क्योंकि उसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट बर कराने कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बढ़िया वेरियंट है इसका BXI वेरियंट, पर लेकिन जब बात आती है ऐसे फीचर्स की जिससे कार देखने में अच्छी लगती हो, जैसे एलॉय व्हील्स हो गए, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, और इनके अलावा भी काफी फीचर्स ऐसे होते हैं जिससे कार देखने में बढ़िया लगती है, तो फिर ये सब चीजें आपको ZXI वेरिएंट में मिल जाती है और वैल्यू फॉर मनी भी रहनी चाहिए। फिर कार 1,10,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है इसके BXI वेरिएंट और ZXI वेरिएंट में। फिर फीचर में क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे एक अपर मॉडल भी आता है जो कि ZXI प्लस वेरिएंट है, क्योंकि इसका टॉप मॉडल है वो एक्सपेंसिव है 70,000 रुपीज इस वेरिएंट से, और फीचर्स भी कुछ ऐसे ऑफर नहीं करे जाते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं अर्टिगा का जिसमें आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाए, बेसिक फीचर से थोड़ा ऊपर आप अपग्रेड करना चाहते हैं और वैल्यू फॉर मनी भी रहना चाहिए, तो आप इसके ZXI वेरिएंट को देख सकते हैं। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं इस कार के, आपको क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं इस कार में। इस कार का जो ZXI वेरिएंट है वो 1,090,000 रुपीज के शोरूम प्राइस पर मिल जाता है, और फिर अगर आपको CNG में चाहिए कार तो आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, और ये CNG में ही है, और CNG का आप टॉप मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि ZXI प्लस वेरिएंट में आपको CNG नहीं मिलती है। तो चलिए फिर आगे, तो मैं इसका फ्रंट रो 5 से फ्रंट में आपको हैलोजन प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, और इंडिकेटर में रहेगा यहाँ पर बल्ब और ये ग्रिल इस कार की जो कि पूरी क्रोम में रहने वाली है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और फोग लैंप्स मिल जाते हैं आपको ZXI वेरिएंट में। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, वो ये साइड प्रोफाइल इस कार की। ZXI वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो कि देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। इन एलॉय व्हील्स की वजह से जो साइड प्रोफाइल इस कार की वो देखने में बिल्कुल गजब से लगती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके BXI वेरिएंट से, तो BXI वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। 15 इंच के आपको इसमें एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो कि डायमंड कट रहने वाले हैं। 185/65 R15 की प्रोफाइल रहेगी, और ये इस कार का ओवरऑल जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा। इंडिकेटर भी आपको इसी पर ही मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहेंगे। उस कार पे रेन वाइजर जो लगे हैं उसके सीरीज का पार्ट है। डोर हैंडल्स हो गए इससे क्रोम कलर के, रिक्वेस्ट ऐसा बटन मिल जाएगा आपको उसके डोर हैंडल पर, और फ्यूल लिड हो गया इसके कोट ड्राइवर साइड। तो फिर ये कंबाइन बैक साइड प्रोफाइल की, ऊपर साइड आपको रेड स्पॉइलर मिल जाएगा जो कि एस सीरीज का पार्ट है। वैसे आपको उसमें इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाता है, हाई मेटल स्टॉप लैंप हो गया, रियर डिफ्यूजर वॉशर वाइपर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको ZXI वेरिएंट में। इसकी एलईडी टेल लाइट जो कि आपको बेस मॉडल से ऑफर हो जाती है, जो काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाएगी जो कि आपको ZXI वेरिएंट से ऑफर होती है। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, अर्टिगा की बैजिंग हो गई, और 4 पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं, 2 हो गए यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में ऑफर करा जाता है CNG टैंक होने के बाद। जैसे आप देखते हैं पूरी कवरिंग करी गई CNG टैंक की, जिस वजह से टैंक पूरा नहीं दिखता है, और फिर बूट स्पेस भी कितना बढ़िया लगता है इस कार का। वैसे मेरे को इस तरह का 10 कार का एक्स्ट्रा लुक, जो फीचर्स आपको इस कार के एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा इसमें आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, रियर डिफोगर बोशर वाइपर, मशीन एलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री विद पुट स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं। जो मेन फीचर्स में डिफरेंस है उस कार के इंटीरियर में है। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा आपको क्या क्या ऑफर करे गए इस कार में। इस कार में आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाएगा 1500cc का, जो की प्रोड्यूस करता है 101 BHP की पावर, 136 Nm का टोर। फ्यूचर में आपको इंटीरियर दिखाता हूँ क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इस कार के इंटीरियर में। जैसे आप देखिए डुअल कलर में रहेगा इस कार का इंटीरियर, वुडन फिनिश मिल जाती है आपको यहाँ पर। इसी तरह का पैटर्न आपको इसके डोर पे दिखाई देगा, यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिल जाती है, डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप ऑटो डाउन पावर विंडो मिल जाएंगी, लॉक अनलॉक के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है ORVM, यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाटे बूटे स्पेस है, डिफाइन स्पेस, स्पीकर, बाहर से देखने में उस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट को फीचर और रिक्लाइन करने का, और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन हो गया CNG में शिफ्ट करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वो ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर ओपनर क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बाटे बूटे स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर, और ये रही इस कार की मिडिल सीट्स, रिक्लाइन करने का और स्लाइडिंग का मिल जाएगा, उस वाली सीट को आप इजीली टपल करके ये सीट पर चले जाएंगे। हिसाब देखते कुछ तरह का मिल जाएगा आपको इस कार का इंटीरियर। बीच कलर में रहने वाला है इंटीरियर इस कार का, आपको वुडन ग्रीन फिनिश भी दी जाएगी आपको इसके डैशबोर्ड पर, और डोर ट्रिम पर भी आपको इसके वुडन फिनिश दी जाएगी। फिर ओवरऑल कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। एक फीचर्स को हम देख लेते हैं, और ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, सर्कुलर में आपको यहाँ पर क्रोम दिया जाएगा, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स होगा, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इसे अपर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 7 इंच का मिल जाएगा आपको उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, जो कि देखने में कुछ इस तरह का लगता है। पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर,
टच बटन से जाएंगे वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, म्यूट के लिए, पावर ऑन के लिए। यहाँ पर हो गया आपका हजार्ड लाइट का बटन। वो एसी वेंट्स दी जाएंगे आपको यहाँ पर, लाइन्स दी जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पर एसी वेंट नहीं है, वहां पर मिल जाएगा आपको को ड्राइवर साइड का, और ये रहा ड्राइवर साइड का एसी वेंट। और यहाँ पर आपको ट्विटर दिए जाएंगे, यहाँ पर हो गया ट्विटर, एक वहां पर हो गया ट्विटर। और चार स्पीकर हो गए आपके जो चारों डोर में रहेंगे। और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी रहने वाली है इस कार में, जो कि दिखने में कुछ तरह की लगती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, यूएसबी पोर्ट, थोड़ा सा स्पेस फिल हो गया यहाँ पर, दो कप होल्डर्स, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार। कुछ इस तरह का गियर नोब लगता है इसका। ओलेरा कार का हैंड ब्रेक, ओलेरा कार का आर्म रेस्ट, कुछ ने साइज का स्टोरेज मिल जाता है, काफी कम स्टोरेज रहने वाला है। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के ग्लव बॉक्स में। और इस कार का सनवाइजर वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर दिया जाएगा सिर्फ। ओवरऑल कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, जैसे आप देख सकते हैं। ये रहा को ड्राइवर साइड का डोर, डोर ओपनर हो गया आपका क्रोम कलर का, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो, बटर ग्लेस स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट लिखने स्पेस और स्पीकर। और ये रही इस कार की फ्रंट सीट, फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, कुछ इस तरह की सीट्स रहने वाली हैं। ये इस पर सीट कवर लग रहे हैं जो कि एसेसरीज का पार्ट है। तो चलिए फिर कुछ तरह करते हैं इस कार का फ्रंट सीट पर बैठकर, जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं आपको इस कार के मिड रूम में दिखा देता हूँ कितना स्पेस मिल जाएगा, और मैं आपको लास्ट रूम में भी दिखा दूंगा फिर कितना स्पेस आपको वहां पर दिया जाएगा। तो वैसे आप देखते हो कितना लेग रूम आपको इस कार में मिल जाएगा, लेग रूम और हेड रूम में आपको कोई भी कमी नहीं रहने वाली है इस कार में। और मिड रूम पर बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, और ब्लोअर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट होगा, और मिड में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और बैक में आपको यहाँ पर कप होल्डर भी मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया जाएगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पर, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट दिया जाएगा, कप होल्डर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, थोड़ा सा स्पेस हो गया। वैसे तो आपको पूरी फ्लैट सरफेस मिलने वाली है। तो विचारे भी कुछ तरह का इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ था इस कार के इंटीरियर वो मैंने आपको दिखा दिया है। विचारे भी कुछ तरह का इस कार का बोक रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर से मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन एनफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एपल कार प्ले के साथ दो ट्विटर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, जो कि आपको BX5 वैन में नहीं मिलते हैं। स्पीकर तो हो ही गए, रियर डिफोगर वॉशर वाइपर हो गया, मशीन एलोवीज, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर, कीलेस एंट्री, फ्रंट आर्म रेस्ट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, कुछ ऐसे फीचर्स आपको ZX5 वैन में मिल जाते हैं। अगर आपके वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं 1,10,000 रुपीज के प्राइस में, तो आप ZX5 वैन के साइड जा सकते हैं, वरना फिर BX5 वैन तो हो ही गया, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है मारुति सुजुकी अर्टिगा का। तो अगर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बोखना देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर देखने के लिए आपका धन्यवाद।